नेक्स्ट टॉपिक है वो है मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म। तो मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म जो है उनके कुछ पॉइंट्स हैं जो कि है सिस्टम ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी शुड बी अबॉलिश्ड। मतलब कि मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट कह रहा है कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो पूरी तरह से ख़त्म होनी चाहिए, सब कुछ पब्लिक हो जाना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मैरिज में जो घर है वो हस्बैंड के नाम पे है, मतलब हस्बैंड की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तो जब वुमेन उस मैरिज से परेशान है तो वो उस मैरिज से बाहर निकलने से पहले 100 बार सोचती है। वाई? क्योंकि वो कहाँ जाएगी, उसके पास तो घर ही नहीं है। तो जब कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी ही नहीं रहेगी तो सब कुछ पब्लिक हो जाएगा, तो ये जो डर है वुमेन्स का वो ख़त्म हो जाएगा। और अगर हम इसका उदय देखें तो हमें 1960s के डिकेड में सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म के साथ हमें इसका राइज दिखाई देता है। और मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म जो है वो सारी आइडियाज़ को, सारी चीज़ों को मार्क्स के फ्रेमवर्क में डिस्क्राइब करता है। और मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म का हमेशा से यह मानना होता है कि जो महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है उसके पीछे जो बेसिक रीज़न है वो है कैपिटलिज्म, क्योंकि कैपिटलिज्म ही पैट्रियार्की को मजबूती प्रदान करता है। इसलिए वुमेन का जो लिबरेशन है, वुमेन का जो स्वतंत्रता है, तभी पॉसिबल हो पाएगी जब कैपिटलिज्म को जड़ से ख़त्म कर दिया जाएगा। तो इस मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म का मानना है कि जो महिलाएं होती हैं ना, वो घर में अनपेड लेबर और सेक्स प्रोवाइड करती है और जिसके बदले में उन्हें कुछ नहीं मिलता। मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म जो है वो महिलाओं के घर में काम करने या फिर जो भी वो कर रही हैं इन देयर हाउस, वो उन्हें काम की कैटेगरीज में रखता है और उन्हें कहता है वो अनपेड है। इस तरह हम मार्क्सिस्ट राइटिंग में देखते हैं कि जो महिलाओं का संघर्ष है वो भी कैपिटलिज्म के साथ जुड़ा हुआ होता है। इसको इसमें आगे डिटेल्स में एग्जांपल से समझाएंगे। अगर मैं मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म राइटर्स की बात करूँ तो इसमें दो इम्पॉर्टेंट राइटर्स आते हैं, पहला है फ्रेडरिक एंजल्स और दूसरा है शीला रुबाथम। तो अगर मैं फ्रेडरिक एंजल्स की बात करूँ तो वो अपनी बुक में लिखते हैं, उनकी बुक का नाम था ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट। उसमें वो लिखते हैं कि कैपिटलिज्म के आने के बाद वुमेन की जो कंडीशन थी वो और ख़राब हो गई, क्योंकि कैपिटलिज्म सिस्टम में जो वुमेन थी वो घर का काम करती थी और घर पे काम करके ये क्या करती थी कि जो वर्कर का काम होता वो उसे आसान बनाती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, वुमेन घर का सारा काम कर रही है, घर पे खाना बना रही है, अपने बच्चों की देखभाल कर रही है, वर्कर का देखभाल कर रही है। तो इससे क्या हो रहा था, कैपिटलिस्ट सिस्टम में वर्कर का जो बर्डन था वो कम हो रहा था। इस तरह वुमेन क्या कर रही थी, कैपिटलिस्ट सिस्टम में इकोनॉमिक इंटरेस्ट को भी कहीं ना कहीं प्रमोट कर रही थी। इसलिए कैपिटलिज्म हमेशा से वुमेन को सब्जुकेट करके रखना चाहता था। हमेशा से वो चाहता था कि वुमेन जो है वो घर का काम करे, वो वर्कर की हेल्प करे, जिससे क्या होगा कि कैपिटलिस्ट सिस्टम को और मजबूती मिलेगी और वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएगा। इसलिए जो मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म जो है वो ये कहती थी कि कैपिटलिस्ट सिस्टम में जो वुमेन का स्टेटस था वो स्लेव ऑफ द स्लेव का हो गया था। वो कैसे, क्योंकि कैपिटलिस्ट सिस्टम में स्लेव कौन होता है, मजदूर वर्ग होता था, वर्कर का क्लास होता था। लेकिन वर्कर के लिए कौन काम करता था, वुमेन काम करती थी, वो भी अनपेड काम करती थी, उसे उस काम के पैसे नहीं मिलते थे। इसलिए कैपिटलिस्ट सिस्टम में वुमेन की स्थिति स्लेव ऑफ द स्लेव हो जाती है। वहीं दूसरे इंपॉर्टेंट थिंकर का नाम आता है शीला रुबाथम का। इनकी 3 बुक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्ज़ाम में पूछी जाती है ये किसकी बुक थी, कब पब्लिश हुई थी, तो हमेशा याद रखिएगा, हिडन फ्रॉम द हिस्ट्री वुमेन्स कॉन्शियसनेस मैंस वर्ल्ड, ये भी इंपॉर्टेंट बुक है, वुमेन रेसिस्टेंस रिवॉल्यूशन, ये भी इंपॉर्टेंट बुक है, ये तीनों याद रखिएगा। इसमें भी वो वही बात करती है, वुमेन की स्थिति तो ऑलरेडी ख़राब थी, मीन्स ख़राब हो गई थी, और वो ये भी कहती थी महिलाओं के उत्पीड़न का इतिहास हमें खोजना चाहिए क्योंकि उसे दबाया गया है,
क्योंकि वुमेन जो है वो हमेशा से सब्जुगेट होते आ रही थी, इसलिए शीला रुबातम भी एक हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन की बात करती है। तो इस तरह देखा कि मार्क्सिस्ट राइटिंग में हमें फीमेल की स्थिति को एकदम मार्क्सिस्ट प्रोस्पेक्टिव से दिखाया गया है। और एट द एंड इन्होंने ये भी माना कि मार्क्सिज्म के थ्रू अगर हम देखें तो कैपिटलिज्म को ख़त्म करके ही उनकी सफरिंग को भी ख़त्म किया जाए। और अगर मैं मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म के क्रिटिसिज्म की बात करूं तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि अगर एक्सप्लॉयटेशन को वुमेन के एक्सप्लॉयटेशन के साथ जोड़ दिया, कोई अलग से स्टडी नहीं की इन्होंने, अगर हम देखें जेंडर पॉलिटिक्स से ज़्यादा इन्होंने क्लास पॉलिटिक्स को इम्पॉर्टेंट दिया, तो इससे क्या हुआ कि जितने भी फेमिनिज्म मूवमेंट थे उनको मार्क्सिज्म के साथ जोड़ दिया और ये कहा कि सोशल रिवॉल्यूशन लाकर के पहले कैपिटलिज्म को ख़त्म किया जाएगा और कैपिटलिज्म जैसे ही ख़त्म होगा तो वुमेन का भी लिब्रेशन हो जाएगा। इन्होंने वुमेन के लिब्रेशन को अलग से कहीं बात नहीं की। तो इस आधार पर मार्क्सिज्म फेमिनिज्म का क्रिटिसिज्म होता है।